गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हियर आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो इस वक्त है मेरे साथ अहमद। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आया कहाँ पे हूँ। तो पीछे हम लोगों के पूरी जो है वो गंगा है। यहाँ पे गंगा के पास आए, आप लोग सोच रहे होंगे कि गंगा के पास क्या करने हम लोग आए। तो यहाँ पे बड़ी शांति है और यहाँ पे हम लोग क्या करने आए हैं गंगा के पास। शाम के वक्त तो मौसम अच्छा था, टहलने आए थे, फील करने आए। किसको? नेचर को। पता है बहुत सुकून मिल रहा है देख के, आँखों में बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। तो घर के पास ही हम लोगों की गंगा थोड़ी दूर पर है, बस पैदल इतनी दूर पर कि पैदल हम लोग आ गए यहाँ पे। सो देखिए बोट भी चल रही है यहाँ पे। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मतलब ऐसे ही बस आ गए थे टहलने, टहलते इधर आ गए। वहाँ पे एक्चुअली टहल रहे थे तो एमएन ने कहा कि वहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो बस यहीं सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पास वाले परमठ के मंदिर में। वहाँ पे क्या करेंगे, घंटा भी जाएंगे? नहीं, वहाँ पे थोड़ा अच्छा व्यू आएगा, अभी रात नहीं हुई लेकिन अच्छा पब्लिक को सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए व्यू। चलो अच्छा चलते हैं। ये इनको भाई साहब को कहा था कि कहीं यहीं कहीं ले चलना, हम लोग पैदल हैं क्योंकि। और ये भाई अहमद, हम लोग रेड पहने हैं आज दोनों, थोड़ा सेम हो गया। ट्विनिंग हो गई। तो ये जब से हम लोग चले ही जा रहे हैं और जहाँ ही ले जाना चाह रहे हैं वहाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और अभी तक वो आया ही नहीं है। तो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है और हम लोग के पैर, हम लोगों के नहीं मेरे, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता लेकिन कहाँ जाना है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पैर थके जा रहे हैं। अहमद वो कौन था जो हम लोग के ऊपर मुस्कुरा के थोड़ा सा गया है स्कूटी से? क्या जान पहचान का? अजीब लगा होगा व्लॉग बनाते हुए देखकर। अच्छा मतलब लोग देखते हैं व्लॉग लेकिन अगर कोई बना रहा हो तो उसके ऊपर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे नहीं मुस्कुराएंगे। तो पहुँचते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं कि कितनी दूर है। पता है मैं फ़र्स्ट टाइम इस रोड से जा रहा हूँ, कहीं आ चुका हूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस रोड से, और वो भी पैदल पहली बार। अहमद हर चीज़ तुम पहली बार क्यों कराते हो? थोड़ा है? तुम्हें भी तो अच्छा लगे फर्स्ट टाइम जब कुछ करोगे। वहाँ पे वैसे रात का बता रहा हूँ, लाइटिंग बढ़िया रहती है मंदिर के साइड। देखते हैं क्या होता है, अगर अच्छा नहीं हुआ व्लॉग, अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो अगली बार से तुम्हें कहीं देख मतलब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। बीच वाली फीलिंग आ रही है, गोवा वाले बीच आ गए। ऐसी फीलिंग आ रही है कि गोवा के बीच पे हम लोग। वो पीछे जो है वो है मंदिर, ये मंदिर है। हाँ फिलहाल लाइटिंग, अरे तो क्या हुआ, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। देखिए बस ये जो ये खूबसूरती थोड़ी दिख रही है बोट्स की, ये अलग अगर ना होती तो ज़्यादा गोवा बीच लगता। इतना भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। या खुला खुला लग रहा है, मज़ा आ रहा है। उधर शायद पूजा हो रही है, पता है मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है। अब अहमद यहाँ मतलब आते नहीं रहेंगे ऐसा नहीं कहेंगे, अच्छा लग रहा है। पीछे मंदिर है देखिए, जहाँ पे आई थिंक पूजा हो रही है और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। अगर आप लोग कानपुर के हो तो आपको हम लोग मुझसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और शायद बाकी लोग आते रहते हैं, है ना अहमद? तुम किसके साथ आए थे फर्स्ट टाइम? अरे दोस्त है, दोस्त का नाम हमें बताया, ले लो विरासत। तुम देख रहे हो अगर तो थैंक यू, तुम्हारी वजह से यहाँ पे आए। अच्छा लग रहा है अहमद सच में, थैंक यू यहाँ लाने के लिए। अहमद हम लोग ट्रेनिंग करने कितने अच्छे लग रहे हैं वीडियो में। और यहाँ पे सच में अच्छा लग रहा है थोड़ा, बस ये है बस हम लोग नंगे पैर चल रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं नंगे पैर चलने में। रेत पे अच्छा लग रहा है।
और ये देखिए गोवा का मज़ा लेते हुए हम लोग, अहमद भाई भी गोवा का मज़ा लेते हुए। अहमद भाई तो हमसे लंबे होना है इस वजह से भाई कहना है तुम्हें। ज़्यादा नहीं है भाई इतना तो। बोट अहमद बोट कितने की है, कितने रुपए बोट पे चलोगे? रेट नहीं मालूम, रेट नहीं पता। ये अब पूछने चलते हैं कि बोट कितने रुपए की है, कितने रुपए किराया है इसका बोट का। बोट तुम्हारी है, कितने रुपए किराया है? दो लोग, 30 रुपए सवारी। कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? कहाँ तक? अच्छा बस वहाँ तक, सामने तक आना जाना दोनों है। 15 रुपए का एक का, 30 रुपए का एक का, एक लोग का 30 रुपए। छोड़ो भाई, अहमद अब मुझे लगता है कि लाइट खुलने से रही और बहुत टाइम हो गया है, तो अब हम लोग को घर चलना चाहिए। हम लोग को आए हुए तो टाइम हो गया अभी, तो घर चलो। शाम तो हो गई है, मतलब अंधेरा थोड़ा सा हुआ है, पूरे तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है। 7:30 आई थिंक बज रहे हैं, तो अब हम लोग हम लोग तो कब का हो गया, तो इस वजह से अब हम लोग घर जा रहे हैं और लाइटनिंग फिर कभी देखेंगे। वो देखिए क्या खेल रहे, ये फ्री फायर होगा, पबजी क्या? फ्री फायर, ये फ्री फायर खेल रहे हैं पीछे बैठ के, लेट के एक्चुअली। और अभी मैं ब्लॉग बनाने लगा था तो ये उठ गए, उठ के बैठ गए, अभी लेटे हुए थे। सो मैं आ गया था और फिर जस्ट मैंने कुछ टी वगैरह पी और उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। सो अब मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है एग्ज़ाम्स हैं और मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे भी जून से एग्ज़ाम्स हैं, तो उसकी पढ़ाई चल रही है। सो अभी एक बुक मुझे मेरी मतलब नहीं ली थी अभी, तो वो मैंने लेना है, यहीं पास में जा रहा हूँ, तो वहाँ चलते हैं पहले, फिर आपको उनसे पास में बात करते हैं। बी ए सेकेंड ईयर, सेकेंड पेपर है। तो ले लिए मेरी, मैंने क्वेश्चन बैंक को एक्चुअली मैंने अपने लिए नहीं ली है, मुझे बहन के लिए लेनी थी, तो ज्योग्राफी का मिल नहीं थी सेकंड पार्ट, तो मैंने अभी लिया है वो। हाय, क्या हाय। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है मैं घर आ चुका हूँ और ये व्लॉग मैं यहीं पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने भी बताया कि मैंने एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, इस वजह से थोड़ा आजकल बिजी मैं रहता हूँ और आज मैंने बहुत टाइम निकाल के व्लॉग बनाया था और अभी मैं जस्ट पढ़ने ही जा रहा हूँ। सो मेरे एग्ज़ाम 7 जून से हैं और 22 को भी एक एग्ज़ाम है, सो इस वजह से मैं थोड़ा अभी पढ़ लेता हूँ और फिर, लेकिन व्लॉग्स मैं बनाता रहूँगा बीच बीच में। सो ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा है, और जो भी आप लोगों को बताना है वो बता सकते हैं कमेंट्स में। और गाड़ियों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि आजकल बहुत रोड पे जाम लगने लगा है मेट्रो की वजह से, उधर मेट्रो बन रही है इस वजह से इधर सारी गाड़ियाँ जाती हैं, इस वजह से शाम को ऐसे ही रहता है। सो इस ब्लॉग में यही कर रहा हूँ, सो होप यू गाइस एंजॉयड माय टुडेज़ ब्लॉग। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ जल्दी, तब तक ये अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और आज मैंने ये इंट्रो में नहीं पूछा था कि आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग अच्छे ही होंगे और अगर अच्छे नहीं तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ ब्लॉग, ओके बाय, खुदा हाफिज़।